नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं विष्णु शर्मा लेखक एवं शिक्षक, सेकंड ग्रेड टीचर हूं इंग्लिश से और लगभग 8-9 साल से जयपुर में पढ़ा रहा हूं। टेलीग्राम चैनल है रीड इंग्लिश ग्रामर एंड मेथड्स, ज्वाइन करें आप। जल्दी ही सेकंड ग्रेड इंग्लिश का कोर्स लॉन्च होने वाला है। आंसर की पर आते हैं सीधा सीधा। एलिजी वाला क्वेश्चन का आंसर होगा बी, डेथ वाली पोइम होती है, और पेस्टोरल एलिजी में आंसर होगा बी। राइम स्कीम इंग्लिश जो सोनेट है, शेक्सपियर सोनेट भी कह सकते हैं, आंसर की में ए आंसर आएगा। ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ और जी जी। ड्रामा में मेडाइवल ड्रामा यहाँ पर आंसर होना चाहिए इसका। बैरी में बी ई आर आर वाई, बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। एग्जिस्ट इसका उच्चारण है, प्रोनंसिएशन है एग्जिस्ट, डी ऑप्शन होना चाहिए। फिर है वर्च्यू, वर्च्यू इसका ये होगा बी ऑप्शन। ठीक बात, ये हो गया इसका। नेक्स्ट पर चलते हैं। रेमेडियल क्लासेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सोसाइटी, ब्राइट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट और डिसेबल्ड वंस। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा सोसाइटी। ठीक है, जहाँ तक है आंसर, आंसर जो है सोसाइटी होना चाहिए। डिसेबल्ड वंस में भी थोड़ा सा है, हो सकता है कन्फ्यूजन। ठीक है, देखते हैं आरपीएससी क्या मानता है। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है एडिक्वेट इवेल्युएशन का, इट एनहांसेस लर्निंग, लर्निंग को बढ़ाता है। सबसे पहले सिमिली आंसर होगा एग्जाम्पल में, सेकेंड लाइन का जो एग्जाम्पल है लाइक अ चाइल्ड सिमिली है। मेटाफर होता है एक इम्प्लाइड सिमिली, यानी डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं होता है इसलिए। और यहाँ पर विंड आंसर होगा, पर्सोनिफिकेशन में विंड है, यानी विंड को पर्सोनिफाइड किया है। ब्लैंक वर्ड्स आयम्बिक पेंटापैटर्न में लिखा जाता है, अनराइम्ड होता है यानी बिना राइम के होता है, इसलिए ए आंसर होना चाहिए। और द अबोव लाइन कंटेन्स, ऊपर की जो लाइन है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीद ऑफ ऑटम्स बींग, इस लाइन में आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन। इसका आंसर होगा दाउ, कंजंक्शन में 75 में दाउ आंसर होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं मीजल्स, बीमारी है एक, इस आंसर आएगा। फर्स्ट ग्रेड में भी पहले क्वेश्चन आ चुका है इसका, बहुत अच्छा है। अपने यहाँ पर फ्लीकी जो ऐप है डाउनलोड कर लें आप, फ्लीकी ऐप डाउनलोड करें, फ्लीकी FLIQI। ठीक है, वहाँ पर मैंने रीड पढ़ाया था, अपने सुभाष चारण सर के भी पढ़ाया था दुर्गना ऐप पर, और काफ़ी क्वेश्चंस मिले हैं जो कराए हैं मिले हैं। ठीक है, बाकी आप जानते हैं पोएम और ग्रामर तो ठीक है कहाँ से क्या मिलती है। बाकी क्वेश्चन हैं, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, मिले हैं, पढ़ाया हुआ मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर, माई फ्रेंड एंड हिज फादर आर मीटिंग अस टुमारो, यहाँ पर आएगा। द फिशरमैन कास्ट, कास्ट जो यहाँ पर वो वर्ब दी गई है वो पास्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर आएगा गुड आंसर। रवीज अंकल गाइडेड, गाइडेड भी यहाँ पर क्या है पास्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर मॉडल में शुड आंसर आएगा। फ्लाइंग इन द फेस ऑफ का मतलब होता है किसी के हमेशा कॉन्ट्रेडिक्टरी रहना, विरोधाभास में रहना, यानी हमेशा ही ऑपोजिट रहना, किसी की इंसल्ट करना, डिसओबे करना, इसलिए आंसर होगा डी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट सीधा सीधा कराया हुआ था मेरा आपको वोकैबुलरी में, नॉट रेगुलर यानी इररेगुलरली मैंने आपको लिखवाया था, नॉट रेगुलर आंसर है, सेम है। टाइम मैनेजमेंट इसका अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए, और यहाँ पर कंजंक्शन में देखो बट है और सो है, बट बताता है कॉन्ट्रास्ट और सो बताता है कॉन्सिक्वेंसेज, इसलिए ये आंसर होगा। फिर है ट्रांसक्रिप्शन, एडजस्ट बोलेंगे इसको, एडजस्ट ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडजस्ट, इसलिए ए आंसर होगा। वेलर सॉफ्ट पैलेट होता है, डी आंसर होगा। फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, अप्रोक्सीमेट लेटरल, प्लॉजिव्स, नेजल्स, ये सब आपको मैंने ट्रिकली ट्रिक से बहुत अच्छे से याद करवाए थे। तो जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन आया है सी आंसर होगा फ्रिकेटिव्स। बेसिक रोल ऑफ जो है किसका, मदर टंग का, वो नेचुरलनेस, इसका आंसर आना चाहिए। टेक्स्ट बुक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये आंसर नहीं होगा CLT का। कम्युनिकेटिव अप्रोच का आंसर होना चाहिए कि लर्नर्स लर्न द टारगेट लैंग्वेज एज मदर टंग। ठीक है, जैसे कि मदर टंग सीखते हैं ऐसे ही टारगेट लैंग्वेज बच्चे सीखते हैं, आंसर होगा सी। लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एक बून है, जैसे कि अपने जीत सर ने मुझे बताया है या और भी जो सीनियर्स हैं उनसे मैंने कंसल्ट किया है। ठीक है, क्योंकि हमेशा जब भी कन्फ्यूजन हो टॉक टू योर सीनियर्स, हमेशा एक्सपीरियंस को ठीक है रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी। तो मैंने पूछा काफ़ी सीनियर से, आंसर आया बून, वैसे टूल भी हो सकता है, मैंने टूल सोचा था, बाकी देखते हैं अपना जो है क्या मानता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपका रीट। रेमेडियल इंग्लिश में अकर वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों के लिए हो सकता है, इसलिए
ठीक है। चलिए ये हो गया पेपर सॉल्यूशन, रीड इंग्लिश ग्रामर और मेथड्स टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करें, बाकी बातें वहाँ करेंगे और कोई चीज़ें हैं। नेक्स्ट आंसर की है, हम वहाँ पर और अपलोड करेंगे कंप्लीट आंसर की जो होगी जल्दी ही, ठीक है। धन्यवाद।